अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम ऑक्सली फ्यूल गैस वेल्डिंग स्टडी करेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने शीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग को स्टडी किया था। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपको उसका लेक्चर देखना है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू विजिट दैट। तो उसको स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग ऑपरेशंस। अभी तक हमने जितनी भी वेल्डिंग स्टडी की हैं पिछली वीडियोस के अंदर, वो हमने फ्यूजन वेल्डिंग के ऑपरेशन देखे हैं। तो ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन में आती है। इसमें क्या होता है कि एक आपके पास कम्बस्टिबल गैस होती है जो कि फ्यूल गैस होती है, उसे हम ऑक्सीजन में मिक्स करके उसको कम्बस्ट करवाते हैं, और जो कम्बशन होती है उसमें जो हीट जनरेट होती है उस हीट से हम अपना वेल्डिंग का ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं। ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग एम्प्लॉयज सेवरल टाइप्स ऑफ गैसेस व्हिच इज़ प्राइमरली डिस्टिंक्शन अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। इसमें कोई भी हम जो फ्यूल गैस इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो एसिड एलिन गैस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ जिसका साइंटिफिक नेम इथाइन गैस है। ऑक्सी फ्यूल गैस इज ऑल्सो यूज इन फ्लेम कटिंग टॉर्चेस टू कट एंड सेपरेट मेटल प्लेट्स एंड अदर पार्ट्स। ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग वेल्डिंग के ऑपरेशन के साथ साथ हमें कटिंग के अंदर भी इसका यूज़ देखा है। अगर कोई मेटल की प्लेट है या कोई मेटल का बार है तो उससे हमें कट करना है, तो जो इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग का और गैस कटिंग टॉर्चेस का, वो बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ इसकी जो टॉर्च का डायमेंशन होता है उसमें फ़र्क होता है। तो गैस कटिंग क्या होती है कि जो हम वेल्डिंग के लिए जो हीट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी हीट से हमें अगर कोई पीस कट करना है उस हीट से हम, फॉर एग्जांपल एक मेटल की प्लेट है, हमें इसको दो पीस में सेपरेट करना है, तो हम जहाँ से हमें सेपरेट करना है वहाँ पे वो टॉर्च को हम मूव करेंगे और हमारा जो दो पीसेज हैं वो दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को आगे स्टडी करते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग परफॉर्म्ड बाय अ हाई टेम्परेचर फ्लेम फ्रॉम कम्बस्टन ऑफ एसिटाइलिन इथाइन एंड ऑक्सीजन। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग क्या होती है। इसमें हम इथाइन गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं और कम्बस्टन प्रोड्यूस होती है। दैट कम्बस्टन प्रोड्यूसेस अ वेरी हाई टेम्परेचर जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। फ्लेम इज डायरेक्टेड बाय अ वेल्डिंग टॉर्च। अगेन ये बहुत स्पेसिफिक एरिया पर हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारे पास एक टॉर्च होगी जिसमें ऑक्सीजन भी आ रही होगी और आपकी एसिटाइलिन गैस भी आ रही होगी। इन दिस केस फिलर मेटल इज सम टाइम एडेड। अगर आपको फिलर मेटल ऐड करना है तो अगेन जिस तरह हमने टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हमने स्टडी की थी, टिक वेल्डिंग स्टडी की थी, जिसमें हमारे पास जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमर होता है, ठीक है, तो हम बाहर से अलग से फिलर मेटल ऐड करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ वायर और अ रॉड विद अ वेरी हाई सरफेस एरिया। इस गैस वेल्डिंग के अंदर भी अगर हमें फिलर मेटल की ज़रूरत है तो हम फिलर मेटल ऐड कर सकते हैं, वरना नॉर्मल जो कि उसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, जो उसकी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही होगी, उससे ही हम यूजुअली अपना वेल्डिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कॉम्पोजिशन मस्ट बी सिमिलर टू बेस मेटल। अगर हम फिलर मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन सिमिलर होनी चाहिए आपके बेस मेटल से। फिलर रॉड ऑफन कोटेड विद फ्लक्स टू क्लीन सर्फेसिस एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। जिस तरह हमने शीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग पढ़ी थी, जिस उसका जो रॉड होता है उस पर फ्लक्स की कोटिंग हुई होती है ताकि वो आपके जो वेल्डेड जॉइंट हैं उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज से उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें भी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के अंदर भी अगर हम फिलर मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो विल मेक श्योर के वो उस पर फ्लक्स कोट हुआ हुआ है ताकि जो भी इम्प्योरिटी है वो आपकी स्लैग बन के ऊपर आ जाए और आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हो। तो ये एक सेटअप है गैस वेल्डिंग का। इसमें क्या होता है कि बहुत नॉर्मल सेटअप है। इसमें आपके पास दो सिलेंडर होते हैं, एक आपके पास ऑक्सीजन का है और एक आपके पास जो है वो एसिटाइलिन गैस का सिलेंडर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों मुख्तलिफ कलर में है, तो उनका कलर कोड होता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो यूजली ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का होता है, और एसिटाइलिन का या कोई फ्यूल गैस का सिलेंडर है तो वो ऑलवेज रेड होता है। इसके साथ साथ इसमें आप देखते हैं कि दोनों सिलेंडर्स के अंदर हमने यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर्स लगाए हुए हैं, तो दो प्रेशर रेगुलेटर्स हैं, यू कैन सी ओवर हियर,
एक प्रेशर रेगुलेटर जो है आपको बताता है कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस मौजूद है और आपके सिलेंडर में कितनी कैपेसिटी है, और दूसरा आपको बताता है कि जब हम इसको जो हमारा वॉल्व को ओपन करते हैं तो कितना कितने प्रेशर से हमारे पास गैस है वो इसमें से निकल रही है बाहर और हमारी टॉर्च में आ रही है। तो यहाँ से हम गैस के प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं, फिर ये दोनों वॉल्व से लेके आ रही है, हमारे टॉर्च में आ रही होती है। आपको ध्यान करना होता है कि जो आपका जो ये जो केबल्स हैं जो होज़ हैं वो इसमें लीकेज ना हो, अगर लीकेज है तो वो किसी हादसे का सबब बन सकती है या आपकी इसमें गैस भी ज़ाया होगी। और सिंस ये फ्यूल गैस है और आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है तो इट्स वेरी फ्लेमेबल, कभी भी आग लग सकती है, और जहाँ पर ये वेल्डिंग होती है वहाँ पर फायर हैजर्ड का ख़तरा बहुत होता है। तो ये दोनों होसेस से हमारे पास यहाँ पे गैस आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है और एसिटिलीन भी आ रही है, और इसको जब हम खोलेंगे तो शुरू में हमें मैचस्टिक से इसको थोड़ा बर्न करना पड़ता है और उसके बाद ये कंटिन्यूसली फ्लेम आ रही होती है। अब इस फ्लेम की जो लेंथ है वो हम किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे कि हमें कितना फ्लेम चाहिए, कितनी ज़्यादा फ्लेम चाहिए, कितनी कम फ्लेम चाहिए, तो ये देखें कि टॉर्च के ऊपर आपके दो नीडल वॉल्व लगे हुए हैं। इससे हम दोबारा इससे हम मेंटेन कर सकते हैं हमारे जो गैस की क्वांटिटी है, बोथ द गैसेज ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आपको ये बात का ख्याल करना है कि हम ऑक्सीजन कम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भी मौजूद होती है। ओके, तो यहाँ से हम ये जो नीडल वॉल्व हैं इससे हम जो हमारी फ्लेम है उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक देख सकते हैं कि आप जो गैस वेल्डिंग का ऑपरेशन है उसकी एक डायग्राम दी हुई है यहाँ पे। इसमें देखें कि आपकी जो टॉर्च है यहाँ पे C2H2 और ऑक्सीजन का मिक्सर इसमें आ रहा है वेल्डिंग टॉर्च के अंदर आपकी, और ये फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रही है इस फ्लेम ये फ्लेम आपका पूरा जो पार्ट है वो मेल्ट कर रहा है और साइमल्टेनियसली सॉलिडिफाई भी होता जा रहा है ये। ठीक है, और अलग से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक फेरो रॉड ऐड किया हुआ है जो कि अगर इसकी ज़रूरत है तो हम इसको ऐड करेंगे, वरना इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अगर हम फिलर मेटल फिलर रॉड या फिलर वायर ऐड करेंगे इसमें तो फ्लक्स से इट शुड बी कोटेड विद फ्लक्स ताकि आपकी जो जो वेडेड पोल है उसको शील्डिंग प्रोवाइड हो। इसमें जो क्वेरी ये है कि आप जो पॉइंट टू पॉइंटर ये है कि आप जब वेल्डिंग कर रहे हैं ठीक है, तो ये जो फ्लेम है वो आपके बेस मेटल को तो प्रोटेक्ट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये जो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जब कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, तो वो गैस तो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपके वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करेगी, बट अगर आप एक्सटर्नल फिलर मेटल इसमें ऐड करो तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो सिंस आपको इसे प्रोटेक्ट करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ये वेल्डेड पूल के अंदर आना ही है इसको, तो हम इसमें फ्लक्स कोट लाजमी करते हैं ताकि जब ये इसमें डिपॉजिट हो जाए आपका जॉइंट आके बन जाए पूरा तो ऊपर उसके फ्लक्स आ जाए और फिर हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसमें हमने स्टडी किया कि ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का क्या प्रोसीजर है। अब इसमें जो एसिटिलीन गैस है इथाइन गैस है उसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं कि ये बहुत पॉपुलर गैस है जो यूजुअली हम गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। गैस वो एसिटिलीन गैस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो टू स्टेजेस के अंदर होता है पर बहुत फास्ट हो रहा होता है ये रिएक्शन। तो पहले स्टेज में जो रिएक्शन होता है उसे हम इनर्ट कोन ऑफ फ्लेम बोलते हैं, जो फ्लेम बनती है उसका उसमें इनर्ट कोन बनती है उसकी, और सेकंड स्टेज में उसका जो आउटर एनवेलप है वो बनता है, वो हम आगे स्टडी करते हैं। तो उसका रिएक्शन देख लेते हैं पहले कि जो इनर एनवेलप है इसमें हमारे पास जो इथाइन गैस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है और हाइड्रोजन गैस बना रही है और हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये जो हीट है इससे हम हमारा जो भी हमारा बेस मेटल है उसको हम हीट करेंगे और उसको मेल्टिंग उसकी स्टार्ट होगी। और सेकंड स्टेज में क्या हो रहा होता है कि यही CO और H2 गैस जो है उसको ये जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आई होती है, हमारे पास इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आई होती है इसको कंज्यूम करते हुए ये CO2 और H2O बनाती है। तो आउटर जो एनवेलप बनता है हमारी फ्लेम का तो उसमें CO2 गैस बनती है जो कि अगेन एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है, और वो हमारे पूरे फ्लेम को एक्सटर्नल इम्प्योरिटी से प्रोटेक्ट कर दिया, और अगेन इसमें हीट जनरेट हो ही रही है साथ साथ। तो ये देख सकते हैं कि
जो मैंने बात की अभी आपसे कि दो हमारे पास कोन्स बनती हैं, दो फ्लेम की वो हैं, एक हमारे पास इनर कोन है, ठीक है, ये देखते हैं कि इनर कोन है और ये जो है हमारे पास आउटर एनवेलप है। देखिए आप इनर कोन का जो टेम्परेचर है वो 3480 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे हमारी क्या होगी कि बेस मेटल मेल्ट होगा और हमें उस मेल्टेड बेस मेटल को जब प्रोटेक्ट करना होगा तो वो हमारी फ्लेम की आउटर एनवेलप जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह से हमारी जो गैस वेल्डिंग है उसमें शील्डिंग भी साथ साथ प्रोवाइड हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें सेफ्टी के कुछ इश्यूज होते हैं, सिंस हमें जो दो गैस के सिलेंडर्स हैं उनको बहुत ख्याल से रखना है, क्योंकि अगर एसिटिलीन गैस आपकी लीक होती है तो मैंने जिसने पहले बताया कि बहुत हाईली फ्लेमेबल होती है, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी है। अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़राब नहीं भी हुआ तो आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद ही है, उससे रिएक्ट करेगी और एक फायर हैजर्ड क्रिएट होगा इसमें। दूसरा बात यह है कि ये H2 C2H2 गैस जो है वो कलरलेस होती है और अडलेस होती है, आपकी इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। अगर ये लीक हो रही होगी तो आपको इसकी स्मेल नहीं आएगी। स्टोरेज सिलेंडर्स आर पैक्ड विद पोरस फिलर मटीरियल सैचुरेटेड विद एसीटोन। देखें ये जो सिलेंडर है ये हम इसका सिलेंडर जो है वो पोरस बनाते हैं, इंटरनल ये पोरस होता है पूरा जिसमें एसीटोन होता है। तो अगर कभी ये लीक भी होता है तो एसीटोन क्या करती है, जो एसीटोन यहाँ बताया हुआ है कि एसीटोन जो हमारी इथाइन गैस है उसको उसमें डिजॉल्व हो जाती है, उससे रिएक्ट करके उसको उसको डंप कर देती है। तो हमारा जो फायर हैजर्ड का इसमें यहाँ पे मसला आया वो इतना नहीं होता, बट स्टिल फायर हैजर्ड हमने कम तो कर दिया है विद दी सिलेंडर्स, बट अगेन देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर अ फायर हैजर्ड। एसीटोन डिजॉल्व्स अबाउट 25 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन। अगेन ये देख लिया कि आपने 25 टाइम्स इसके खुद के वॉल्यूम से डिजॉल्व हो सकती है। लास्ट पॉइंट जो है, डिफरेंट स्क्रू थ्रेड्स आर स्टैंडर्ड ऑन C2H2 एंड O2 सिलेंडर्स एंड होजेस टू अवॉइड एक्सीडेंटल कनेक्शन ऑफ रॉन्ग गैसेस। आप यहाँ पर देखें कि ये जो दो सिलेंडर के होजेज हैं, ठीक है, और दो रेगुलेटर्स हैं। अब ये जो कनेक्ट हो रहे हैं वो थ्रेड से कनेक्ट हो रहे होंगे, जैसे बात देखें यहाँ पे एक थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, तो दोनों के थ्रेड जो हैं वो ऑपोजिट होंगे। अगर आपका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो क्लॉकवाइज क्लोज हो रहा है तो आपका एसिटाइलिन का सिलेंडर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज क्लोज होगा। तो कभी भी हम एक दूसरे के सिलेंडर्स या एक दूसरे के रेगुलेटर्स को है वो चेंज नहीं कर सकते, अगर हम चाहें भी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्लोज ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो थ्रेडिंग की पोजिशन है वो ऑपोजिट हुई हुई है। इससे हमारा जो हमें हमारा जो अगर किसी को नहीं पता कि ये सिलेंडर किसका है, क्योंकि अगेन उस पर लिखा हो तो नहीं होता, हमें पता होता है कि ऑक्सीजन का ब्लू होता है और एसिटाइलिन का रेड होता है, बट अगर कोई बिगिनर है तो उससे भी ये हैजर्ड क्रिएट ना हो, इसलिए हम इन दोनों होजेस की और इन दोनों रेगुलेटर्स की जो थ्रेड्स होती हैं उसको ऑपोजिट ही मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इसमें ऑल्टरनेट कौन सी गैसेस इस्तेमाल हो सकती हैं एसिटाइलिन के अलावा, इसमें पहली है मिथाइल एसिटाइलिन प्रोपाडाइन MAPP। ये एक बहुत कॉमन गैस है जो कि इस्तेमाल करते हैं अगर आपके पास एसिटाइलिन गैस अवेलेबल नहीं है। दूसरी हाइड्रोजन गैस है, प्रोपाइलिन गैस है, प्रोपेन नेचुरल गैस है, सारी आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक गैसेस हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबशन क्रिएट करेंगी। तो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट ऑक्सी एसिटाइलिन गैस। इसमें हमने पढ़ा कि हम वेल्डिंग करते हैं, उसमें प्रिंसिपल जो है वेल्डिंग का वो हीटिंग है। हीटिंग किससे हो रही है, आपकी आपकी गैस से हीटिंग हो रही है, जो हमने पिछली वीडियोज में देखा था कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जो आपकी मेल्टिंग हो रही थी, जो आपकी वेल्डिंग हो रही थी वो आपकी आर्क के प्रिंसिपल पे हो रही थी। उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे बट यहाँ पे हम जो है वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों केसेस के अंदर जो हैजर्डियस ऑपरेशन है, ठीक है, ज़्यादा जो मोस्ट प्रोन टू हैजर्ड्स है वो अगेन गैस वेल्डिंग है। इसमें स्टोरेज का भी मसला होता है आपको कि अगर आपने किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रखा है जहाँ पे प्रॉपर इसके स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, तो वहाँ पे कोई ना कोई फायर हैजर्ड या कोई ना कोई हैजर्ड आपका शॉप हैजर्ड आपका क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग।
आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इसमें। थैंक यू।